हेलो एंड वेलकम टू सुखी जीवन की कुकिंग सेक्शन में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे घर में हम लोग रेस्टोरेंट जैसा ऑथेंटिक चिकन रेशमी कबाब बना सकते हैं, और वो भी बिना तंदूर के। चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ली है और उसको 10 बड़े पीसेस में काट ली है। तो एक एक पीसेस 2 से 3 इंच बड़े हैं। इसके साथ हम लोगों को चाहिए 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच काजू का पेस्ट, 5 से 6 सफ़ेद मिर्च यानी कि दखानी मिर्च मैंने लेके उसको पाउडर फॉर्म में कूट लिया है। ये ऑथेंटिक तंदूर डिशेस में यूज़ होता है। दखानी मिर्च को इंग्लिश में वाइट पेपर कॉर्न्स बोलते हैं। 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। 1/2 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी, नमक स्वाद के अनुसार, 6 छोटी चम्मच फ्रेश क्रीम या फिर मलाई, खट्टा दही हम लोगों को 4 बड़ी चम्मच चाहिए। घर पे बनाई हुई दही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बटर मैंने 2 बड़ी चम्मच ली है और उसको थोड़ी सी गर्म कर ली है। अगर आप बटर अवॉइड करना चाहते हैं तो कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 काट के स्कीवर्स यानी कि सिक लिए हैं। पैन में क्योंकि हम लोग इस डिश को बनाएंगे, आयरन के स्कीवर्स नहीं चलेगा। अगर आपके पास स्कीवर्स ना हो तो भी ये 100% वैसे ही बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा स्कीवर्स से भी दिखाऊंगी और बिना स्कीवर्स के भी दिखाऊंगी। सबसे पहले इन सारे चिकन पीसेस में हम लोगों को छेद लगाना है। आप या तो स्कीवर्स से छेद लगाएं, या फिर घर में अगर टूथपिक है उससे आप कर सकते हैं, या फिर सिंपल छुरी से आप हर चिकन पीसेस में छेद कर दें। छेद लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे मसाला जो है वो अच्छे से चिकन पीसेस में घुल जाए। और क्योंकि हम लोग सिंपल पैन में करेंगे बिना तंदूर के, तो वो बहुत जल्दी अच्छे से पक भी जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं अपने सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करें और सुखी जीवन चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ इतना ही नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद राइट हैंड साइड में जो आपको बेल की निशानी दिखाई दे रही है उसको भी आप प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगी। बेल प्रेस करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वेलकम बैक व्यूअर्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी सी बोल में चिकन को छोड़ के सारे इंग्रेडिएंट्स पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो के दौरान अगर आपने इंग्रेडिएंट्स मिस किया है या फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है, आप एक बार मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने डिटेल में सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिख दिया है। अब चिकन पीसेस मिलाने की बारी है। चिकन के सारे पीसेस को हम लोग इस मिक्सचर में डाल देंगे और एक स्पून की मदद से या फिर अपने हाथों से सारे मिक्सचर को चिकन में कोट कर लेंगे। ध्यान रखें कि हर चिकन पीसेस में ये मिक्सचर अच्छे से लग जाए। इसको हम लोगों को मिनिमम 6 आवर्स के लिए फ्रिज में रखना है, और अगर आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख पाए तो वो इसके लिए बेस्ट होगी। याद रखिए, जितना देर आपकी चिकन इस मिक्सचर में एब्जॉर्ब होगी उतनी ही अच्छी स्वादिष्ट नरम रेशमी मुलायम आपकी चिकन रेशमी कबाब बनेगी। फ्रेंड्स, 8 घंटे हो चुके हैं
और मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताई थी कि कुछ चिकन पीसेस मैं आपको स्क्यूअर्स के साथ बना के दिखाऊंगी और कुछ बिना स्क्यूअर्स के दिखाऊंगी, उन लोगों के लिए जिनके पास स्क्यूअर्स नहीं है। जिनके पास स्क्यूअर्स नहीं है वो लोग दिल छोटा ना करें, क्योंकि टेस्ट में ये कबाब उतनी ही अच्छी बनेगी, ऑथेंटिक बनेगी, जितना कि ये स्क्यूअर्स के साथ बनेगी। हाँ, स्क्यूअर्स से आप जब बनाते हैं तो आपको वो ऑथेंटिक कबाब की एक फीलिंग आती है, और जिसको आप परोसते भी हो उसको भी एक खुशी सा आ जाती है कि मानो जैसे रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोग इसका मज़ा ले रहे हैं। और आई एम श्योर जब आप इस कबाब को बनाएंगे और आपकी फैमिली इसको चखेंगे, तो जब भी डिनर बाहर से आप लोग मंगवाओगे तो सब कोई आपको ही रिक्वेस्ट करेगी कि स्टार्टर आप ही बनाओ। पहली वाली स्कीवर कंप्लीट है, अब मैं दूसरी स्कीवर में चिकन लगाऊंगी। एक स्कीवर में मैंने 3 चिकन पीसेस लगाए हैं और सेकेंड स्कीवर में भी 3 चिकन पीसेस में लगाऊंगी, और बाकी के जो 4 पीसेस हैं वो बिना स्कीवर के मैं आपको पका के दिखाऊंगी। आई होप कि आपने अच्छे से फॉलो किया है कि कैसे मैंने चिकन पीसेस को स्कीवर्स में लगाई और ऊपर से एक्स्ट्रा मसाला भी भर भर के चिकन के पीसेस में लगाया है। मेरी पैन गरम हो चुकी है, अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपके चिकन कम चिपकेंगे और जलने के भी चांसेस कम होंगे। मैंने पैन में थोड़ी सी मक्खन लगाई, आप लोगों को याद होगा कि मिक्सचर में हम लोग मक्खन दे चुके थे, तो कुकिंग के टाइम में अब मक्खन हो या तेल हो बहुत थोड़ी सी आपको यूज़ करना है। कबाब को हमने मीडियम लो फ्लेम में पकाना है, और कभी कभी आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, हाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत जल्दी बर्न होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ज़्यादा देर तक इसको हाई फ्लेम में ना रखें। बिना स्क्यूअर्स के जो चिकन पीसेस थे अब मैं वो भी इस पैन में दे दूँगी। एक साथ 4 चिकन पीसेस दे नहीं पाऊंगी, वो 2 मैं बाद में पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर एक आ रही है। मैं आपको बता दूं, एक साइड पकने में कम से कम 15 मिनट पूरा लगेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा गोल्डन हो गया है आफ्टर 5 मिनट्स, तो इसको और भी पकाना है। हर 3-4 मिनट में आप इसको पलट दे और उसमें थोड़ी सी मक्खन लगाए या तेल लगाए और उसको फिर से पकाए। ऐसे करके एक साइड 15 मिनट मतलब 25-30 मिनट्स आपको पूरा लगेगा ये डिश बनाने में, और बीच में आप फ्लेम को हाई एंड लो कर सकते हैं। और याद रखें कि ये पूरा डिश हम लोग विदाउट लिड मतलब कवर के बिना पकाएंगे। कवर देने से क्या होगा, पानी आ जाएंगे जो हम लोगों को नहीं चाहिए। दोस्तों करीब 22 मिनट हो चुके हैं, लेकिन लग रहा है कि ये थोड़ा और पकेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चिकन अभी पूरा पका नहीं है, तो हम लोग उसको और थोड़ा पकाएंगे। और अब 28 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि मेरे कबाब जो है वो एकदम तैयार है, लेकिन हम इसको थोड़ा काट के देखेंगे कि ये पके हैं या नहीं। स्क्यूअर्स वाले चिकन तो पक चुके हैं, अब हम लोग चेक करेंगे कि बिना स्क्यूअर्स के जो चिकन थे
वो पीसेस सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, थोड़ा काट के देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं वो भी पूरा पक चुके हैं। अब हम लोग ये सारे कबाब्स अलग से एक प्लेट में उठा के रख लेंगे। और अब देख सकते हैं मैं उठा रही हूँ, बहुत बहुत सॉफ्ट है ये चिकन पीसेस, मेरे मुंह में पानी में आ गया है। हाँ तो मैं बाकी जो चिकन के दो पीसेस थे वो भी पका लेती हूँ। मेरे चिकन कबाब बन चुके हैं, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट लाना है। ट्विस्ट ये है कि हम लोग इसको स्मोकी कैसे बनाएं, तो इसका एक सलूशन है मेरे पास, चलिए देखते हैं। सारे कबाब के पीसेस मैं इस पैन में वापस रख दूंगी, लेकिन पैन के बीचों बीच के जगह जो है वो मैं खाली छोड़ दूंगी। अब मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिससे कि ये हमारी कबाब जो है वो ऑथेंटिक बनेगी और एकदम ओरिजिनल स्मोकी फ्लेवर उनमें आ जाएगी। आई एम श्योर कि आज से पहले किसी ने इससे ये ट्राई नहीं किया होगा। ये है नारियल की भूसी, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में कोकोनट हस्क बोलते हैं। ये सेम टू सेम चारकोल जैसा ही काम करता है। अगर आपके पास ये ना हो और चारकोल हो तो आप चारकोल यूज़ करें। इसको हम लोग जलाएंगे और पैन के बीचों बीच रख देंगे। नारियल की भूसी को एक सारसी की मदद से आप फ्लेम के ऊपर रख लीजिए और उसको जलाइए। उसको तब तक जलाइए जब तक कि वो पूरा ना जल जाए। देखिए मैंने अच्छे से उसको जला के एक कटोरी में रख लिया है। फ्लेम को ऑफ करें और कटोरी को बहुत सावधानी से आप पैन तक लेके जाइए और बीचों बीच रख लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी बटर या फिर देसी घी डाल लीजिए ताकि ये स्मोक जो है वो और भी अच्छे से निकल आए। अब तुरंत एक ढक्कन से इसको ढकना है ताकि ये जो स्मोक है वो बाहर ना निकले। नोट करें इस दौरान आपके जो गैस है वो ऑफ ही रहेगी। मिनिमम 10 से 15 मिनट आपको ऐसे ही इसको ढक के रखना है। अगर आपकी नारियल की भूसी अच्छे से नहीं जली है तो आप ये स्टेप फिर से रिपीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही वो स्टेप है जो आपके कबाब को एकदम रेस्टोरेंट जैसा बनाती है। अब मैं कबाब्स की प्लेटिंग करूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई कांट एक्सप्रेस एंड आई कांट शो फ्रॉम हियर कि कैसा स्मोकी फ्लेवर। मुझे लग रहा है कि मैं एक तंदूरी हाउस में हूँ। आप लोग बहुत जल्दी इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर ज़रूर इसका फीडबैक दें। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखे और बताइए कि आप लोगों की फैमिली का क्या रिएक्शन है, स्पेशली इसको खाने के बाद। देखिए दिखने में भी ये कैसे रेस्टोरेंट जैसा ही बना है। और मैंने आपको बोला था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बिना तंदूर के वो एग्जैक्टली चिकन रेशमी कबाब जैसे रेस्टोरेंट में होता है वैसे ही वो बनेगा। देखिए, काश मैं आपसे ये शेयर कर पाती और आप इसको टेस्ट करके मुझे अभी बताते कि कैसा बना है। आप इसमें नींबू छिड़क के खाएं और थोड़ी सलाद के साथ इसको सर्व करें तो और भी मज़ा आ जाएगा। और अगर हो सके तो पुदीने की चटनी भी इसके साथ आप सर्व करें। मैं तो इसको घर में बनाई हुई नान से खाऊंगी। आपको बनाना है नान? अगर आपको बनानी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट भेजना, मैं ज़रूर आपसे घर में बनाई हुई नान की रेसिपी शेयर करूंगी।
तो फ्रेंड्स जल्दी से मुझे बताइए आपको मेरी आज की ये एपिसोड चिकन रेशमी कबाब रेसिपी कैसी लगी, और मेरे इस वीडियो को बहुत सारी लाइक्स देना, और हाँ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलना।